अहम आनंदा आनंदौ अहम विज्ञान अविज्ञानौ, अर्थात आज मैं स्वयं एक पूर्ण रूप से निवेदन के साथ आपसे कहने वाला हूं कि अगर आज का जो योग है भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग, जिसके विषय में मैंने सिर्फ एक संक्षिप्त वीडियो बनाया था कि वैसे तो अनुष्ठान के विषय में तो मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन जो स्पेशल एक विषय होता है कि इस भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में सबसे शक्तिशाली या सबसे शीघ्र प्रभावशाली ऐसा कौन सा पाठ अनुष्ठान स्तोत्र होता है जो शीघ्र ही आपको उसका पॉजिटिव फल देता है, वो आज मैं बताऊंगा देवी अथर्व शीर्षम के विषय में। हालांकि यह पाठ का विषय वीडियो मैंने शायद कुछ वर्षों पहले बनाया है, लेकिन फिर भी ये जो योग आ रहा है और नवरात्र के प्रथम दिन जो योग आ रहा है वो कई कई वर्षों के बाद ऐसा योग आ रहा है और बहुत सारे योगों का संयोग है, समन्वय है और बहुत सारी चीजें हैं, तो आज मैं उसी के ऊपर संक्षिप्त लेकिन विस्तार से आपको सारी चीजें बताऊंगा। और यह जो भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग है, कुछ कुछ जगह ऊपर सूर्य उदय से लेकर रात्रि काल के 11:15 और 17 तक है, क्योंकि हर जगह का जो एक समय टाइम जोन लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड वगैरह जो होता है वो डिफरेंट होता है। फिर भी अधिकतर हमारे देश के भूभाग में जो अधिक समय है जो भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग का, वह सुबह 7:33 से शुरू होकर दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त मतलब 29:07 रेलवे टाइम, लेकिन अगर मैं उसको ही सरल भाषा में कहूँ तो सुबह मतलब 9 की प्रातःकाल 7:33 से यह आरंभ होगा और 10 को प्रातःकाल 5:07 में अमृत सिद्धि योग पूर्ण होगा। इतना लंबा अमृत सिद्धि योग, और वो भी नवरात्र के प्रथम दिन में, वो भी जब संवत्सर जो नई है क्रोधी नामक संवत्सर का जो आरंभ हो रहा है और नवरात्रि हो रही है और राजयोग इस दिन है और बहुत सारे योग हैं, तो ऐसा योग कब और कहाँ मिल सकता है, ऐसा समय कहाँ आएगा? तो मैं बाकी सारे आप अनुष्ठान कीजिए, आप अपना जो नित्य कर्म है वो कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं बोल रहा हूँ कि आप उसे मत कीजिए और ये कीजिए, लेकिन यह एक दिन साध्य ऐसा योग है तो आप इसका पाठ अवश्य कीजिए। फिर अगर आपकी इच्छा है आप हर रोज एक एक पाठ कर सकते हैं, अन्यथा हर रोज ना करके भी आप अगर इस भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में जो देवी अथर्व शीर्षम का पाठ है कैसे करना है, उसके साथ साथ आप माता रानी या श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक आदि का भी प्रयोग कैसे कर सकते हो, वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको श्री देवी अथर्व शीर्षम श्रवण कराऊंगा और उसके पश्चात उसका पूरा जो पूर्ण विधान है जो आज ही करना है कैसे करना है वह सुनाऊंगा। अब हम शुरू करते हैं देवी अथर्व शीर्षम। सबसे पहले माता रानी को नमस्कार कीजिए, और वैसे भी नवरात्रि आदि है तो गौ माता के घी का दीपक या तेल का दीपक आदि जो बेसिक चीज है वो आप कीजिएगा। अगर संभव है तो घर में ही माता रानी के सामने या श्री यंत्र के सामने यह अथर्व शीर्षम का अनुष्ठान करें, या फिर आप चाहे तो देवी के मंदिर में भी आप ये कर सकते हो। और समय मैंने आपको बताया कि सुबह 7:33 से या फिर सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सुबह 5:07 तक, और कुछ कुछ जगहों पर जो रात्रि के 11:30 जो रात्रि के 11:15 या फिर 17 तक है, लेकिन आप चाहे तो सुबह तक भी इसका अनुष्ठान कर सकते हो, वो सारी चीजें बताता हूँ। अब हम शुरू करते हैं श्री देवी अथर्व शीर्षम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तु ते, ओम दुम दुर्गायै नमः। नमस्कार करके अब हम आरंभ करते हैं। हरि ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थुः काशित्वं महादेवीति साब्रवीत अहम् ब्रह्म स्वरूपिणि मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगद् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दानन्दौ अहम् विज्ञानाविज्ञाने अहम् ब्रह्म ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम् पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहम् अखिलं जगत्
वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम अनजाहम अदश्चोर्ध्वं चतिर्यक्चाहम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणाबुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनाबुभौ अहम सोमं त्वष्टारं पूषणं मगं ददामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं ददामि अहम ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्रे संगमने वसूनं चिकितुषि प्रथमा यज्ञियानाम् अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद सदैवं संपदमाप्नोति ये देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतम् तमग्निवर्णं तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनिं कर्म फलेषु जुष्टं दुर्गं देवीं शरणं प्रपद्येम् महेशुरं नाशयित्र्यै ते नमः देवीं वाचम जनयं तदेवा स्तं विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे मूर्जं दुहाना दैनुर्वागस्मानु पशुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतं वैष्णवीं स्कन्दमातरम सरस्वतीं मदितिं दक्ष दुहितरं नमामः पावनं शिवं महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्यजनिष्ठा नक्षया दुहिता तव तं देव अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिष्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुश्चैषा विश्वमातादिविद्युम् एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी आशङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मन् पाहि सर्वतः सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतिन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिषीं कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तं विजयं शुद्धं शरण्यं शिवदं शिवं वियदीकारसंयुक्तं वितिहोत्रासमन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्द मया ज्ञानमुराशयः वाङ्माया ब्रह्म सुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितम् सूर्यो वाम श्रोत्रबिन्दो संयुक्त अष्टातृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विज्ञवारणकूर्णः स्यान् महदानन्ददायकः रत्पुण्डरीकमध्यस्थं प्रातः सूर्य समप्रभं पाशङ्कुशधरं सौ
सौम्यम वरदा वयहस्तकम त्रिनेत्रम रक्तवसनम भक्तकाम दुगंबजे नमामि त्वं महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्गा प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अग्नेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैकविश्वरूपेण तस्मादुच्यते नैका अत एव उच्यते अग्नेया नन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्यः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तं दुर्गं दुर्गमं देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीं इदम् अथर्वशीर्षं योदिते स पञ्चाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदम् अथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चं स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्च सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृताः दशवारं पठेद् यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्यः प्रसादतः सायं दीयानो निवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यानं जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायं प्रतिमायं जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायं जप्त्वं प्राणानं प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यं महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति या एवं वेद इत्युपनिषत् श्रीदुर्गार्पणमस्तु। तो ये अथर्व शीर्षम है और जैसे आपने सुना कि भौमाश्विन्या महादेवी सन्निधो जप्त्वा महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति, जो भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में माता रानी के सान्निध्य में देवी अथर्व शीर्षम का पाठ करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, वो महामृत्यु को भी तर जाते हैं अर्थात महामृत्यु रूपी भवसागर को वो पार करके पूर्ण रूप से तैर जाते हैं। अब इसका पुरस्चरण इसी में बताया है कि जो कोई भी मनुष्य इस देवी अथर्व शीर्षम का अध्ययन अर्थात पाठ करता है तो उसे पांच अथर्व शीर्ष जितना फल प्राप्त होता है अगर इस योग में कोई एक भी पाठ करता है। अगर कोई इसका अनुष्ठान करना चाहे तो 108 पाठ का अर्थात 108 बार देवी अथर्व शीर्षम का कोई मनुष्य पाठ करता है तो उसके लिए शब्द भी वर्णित नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि तत्काल उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर 10 पाठ का भी कोई पाठ इसका करता है, जब इसका करता है, तो उसके भी किए हुए अनजाने से गलती हुई है या पाप हुए है, वह जो पाप है वह क्षण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें और क्या लिखा है कि इस देवी अथर्व शीर्षम के पाठ के या जप के किया बिना माता रानी की चाहे कितनी भी बड़ी मूर्ति हो छोटी मूर्ति हो अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो चाहे करोड़ों सिद्धियां लाखों सिद्धियां भी प्राप्त करने के प्रयत्न करने के बाद भी उसे अर्चन आदि से भी सिद्धि प्राप्त न हो, सरल भाषा में कहूं कि बहुत अथक प्रयत्न के बाद भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी, उस मूर्ति में प्राण नहीं आएंगे अगर देवी अथर्वशीर्ष का पाठ देवी मार्ग की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय अगर ना किया जाए। फिर आगे क्या लिखा जाता है
कि जो कोई मनुष्य इस देवी अथर्व शीर्षम का सायंकाल को पाठ करते हैं तो प्रातः काल किए हुए पापों का नाश होता है, कोई प्रातः काल पाठ करता है तो रात्रि काल के पापों का नाश होता है जो अनजाने में होते हैं, कोई दोनों संध्याओं में पाठ करता है तो वह निष्पापी बन जाते हैं, और कोई भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी अर्थात माँ दुर्गा के सामने कोई इसका पाठ करेगा या करता है तो वह तो महामृत्यु से भी तैर जाते हैं, महाभयंकर आदि व्याधि उपाधि घोर संकट आदि से भी वह तैर जाते हैं। तो इतना शक्तिशाली क्यों है? तो अगर इस देवी अथर्व शीर्षम के अर्थ को आप जानेंगे तो जो नवारण मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, उसके एक एक बीज मंत्र का इसमें संक्षिप्त रूप से एक सात्विक तात्विक और वैदांतिक रूप में इसका अर्थ बताया है। दूसरा जो षोडश विद्या जो है श्री विद्या जिसे कहा जाता है सक हसकल रिम सकल रिम, जो पूरा एक षोडशी विद्या या उस मंत्र को जो परिभाषित किया गया है एक 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 शब्द में वो इसी देवी अथर्व शीर्षम है। आप स्वयं सोचिए इतने गूढ़ रहस्यों को एक संक्षिप्त में ही देवी अथर्व शीर्ष के रूप में वो भी स्वयं माँ दुर्गा ने ब्रह्मा आदि देवताओं को यह सुनाया था श्रवण करवाया था, तो आप सोचिए कितना शक्तिशाली है। अब मैं बात करता हूं कि आज के इस महान पर्व में महान दिन में आप इसका अनुष्ठान कैसे कर सकते हो। एक सरल और सहज नियम जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि गौ माता के घी का दीपक आदि तो आप वैसे भी नवरात्रि है तो हर कोई करता ही होगा। अगर आप देवी माँ के मंदिर में जाते हैं तो प्रयत्न कीजिए वहां पर भी आप दीप प्रदान कीजिए दान कीजिए, या फिर वहां जो अखंड दीप है उसमें आप घी पंडित जी को बोल के उसमें आप पूरित करवा दीजिए। उसके बाद अगर घर में करते हो तो कोई फिर वो प्रश्न नहीं है, गौ माता के घी का एक दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती भी शक्य हो संभव हो तो प्रज्वलित करें, अपने आसन पर बैठ जाए, नॉर्मल जो आचमन करते हैं तीन बार पानी पी के चौथी बार हम हाथ धोते हैं बस उतना कर दीजिए, उसके पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है, और यह एक ऐसा अथर्व शीर्ष है जिस योग में किया जाएगा, संकल्प नहीं भी करेंगे तब भी आपके मन की जो कामना है वह भगवती पूर्ण करेंगे क्योंकि इस योग में इस अथर्व शीर्ष का महत्व है। फिर भी अगर आप मानसिक रूप से संकल्प करना चाहे तो संकल्प कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो माता रानी के सामने बोलिए, उसके पश्चात यह देवी अथर्व शीर्ष का अब कैसे अनुष्ठान करें, एक पाठात्मक या जपात्मक अनुष्ठान कर सकते हो, जैसे 108 बार देवी अथर्व शीर्षम का पाठ कर सकते हैं। अब 108 बार मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करें, अगर आप चाहे तो 27-27 बार के चार पार्ट क्रिएट कीजिए, जैसे पहले 27 बार कंटिन्यू किया फिर 2 मिनट विश्राम लीजिए फिर 27 बार फिर 2 मिनट विश्राम लीजिए फिर 27 बार ऐसे करके कीजिए। अगर कोई स्वस्थ रूप से कंटिन्यूस बैठकर भी 108 पाठ कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब आप लघु शंका दीर्घ शंका अर्थात वॉशरूम जाते हो हाथ पैर मुंह धोकर वापस बैठिए, और अगर आप टॉयलेट जाते हो तो स्नान करके फिर वापस बैठना पड़ेगा और पुनः गिनती करनी पड़ेगी, तो ऐसे जो कुछ नियम होते हैं वह भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आप चाहे तो 108 बार पाठ न कर पाए 10 बार भी पाठ कर सकते हैं, जैसे इसी में लिखा है वो भी ना कर पाए तो एक बार कीजिए। तो ये हुआ पाठात्मक जपात्मक अनुष्ठान। अब दूसरा जो अनुभवित हमारे द्वारा एक हम जो प्रयोग करते हैं और बहुत लोगों के लिए करते हैं और करवाते भी है वो क्या है, तो देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि द्राक्षा रस से या अनार के रस से अगर माता रानी के ऊपर माता जी के ऐसे अथर्व शीर्षम या स्तोत्र आदि से अभिषेक किया जाए उसमें भी खास करके श्री यंत्र के ऊपर तो कल्पो कल्पो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक के जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश होगा, माता रानी की कृपा से घर में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी होगी कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां होगी जो अदृश्य रूप से आपको परेशान करती है वह भी नाश हो जाएगी, कोई आपके ऊपर कोई भी क्रिया करने का प्रयत्न कर रहा है या करेगा या किया था वह भी नष्ट हो जाएगा, नजर ग्रह दोष बाधा तंत्र मंत्र पितृदोष आदि सब नष्ट हो जाएगा अगर अथर्व शीर्षम को पढ़ते हुए अनार के रस से या द्राक्ष अर्थात अंगूर के रस से अगर देवी माँ के ऊपर या तो श्री यंत्र के ऊपर जब आप यह पढ़ते पढ़ते अभिषेक करते हो तो इससे बड़ा एक जो सुकून शांति देने वाला अनुष्ठान है वो आप महसूस कीजिएगा। आप पाठात्मक भी कर सकते हो जपात्मक भी कर सकते हो। दूसरा इसे कहा जाता है अभिषेकात्मक अनुष्ठान, तो अभिषेक करके भी कर सकते हो, आप एक पाठ से भी अभिषेक कर सकते हो।
अब 108 पाठ का अभिषेक करना है तो बहुत सारा रस चाहिए होगा। तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जितना भी आपके पास अंगूर का रस या द्राक्ष का रस है, आप चाहे तो गन्ने का रस का प्रयोग करिए, आप चाहे तो दूध, दही, शहद, गौ माता का घी है, शक्कर वाला जल है या मिश्री वाला जल है, या फिर अन्य फलों के रस है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं तो 10 पाठ का अगर आपको अभिषेक करना है, अथर्वशीर्ष का अनुष्ठान करना है, तो जैसे एक हो गया अंगूर का रस, एक हो गया अनार जिसे दाड़िम कहा जाता है या फिर अनार का रस, एक हो गया दूध, एक हो गया दही, फिर घी, फिर हो गया मधु अर्थात शहद, फिर हो गया शक्कर वाला जल, फिर हो गया गन्ने का रस, फिर अन्य कोई फल फलों का रस है वो ले सकते हैं। मतलब कोई भी रसों से 10 पाठ और 10 रस ऐसे भी आप अभिषेक कर सकते हो। और फिर जो अभिषेक किया हुआ जो द्रव्य है वो किसी पवित्र जगह पर विसर्जन करें, फिर श्री यंत्र या माता रानी को शुद्ध जल से सुंदर रूप से स्नान आदि चिकनाई सब वगैरह सब निकाल के प्रॉपर तरीके से स्नान करवा के फिर चंदन कुमकुम का टीका लगवाए, श्रृंगार आप कर सकते हो। अगर माता रानी की मूर्ति है तो श्री यंत्र के ऊपर भी आप चाहे तो श्रृंगार कर सकते हो। ऐसे पूर्ण रूप से सुंदर तरीके से रेडी कीजिए, फिर माता रानी को पुष्प है या बेलपत्र आदि है वो अर्पण कर सकते हो। तो इस प्रकार से देवी अथर्वशीर्षम का अनुष्ठान कर सकते हो। ये भी ना कर पाए तो प्रयत्न कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि उच्चारण में शायद दिक्कत हो सकती है तो आपके पास पूरा दिन है और मध्य रात्रि भी है तो आप इसको सुन भी सकते हैं। और अब जो मूल अनुष्ठान की बात है, जिनको वाक सिद्धि चाहिए लेकिन उस वाक सिद्धि का ना सही तरह से प्रयोग भी करना चाहिए, कोई गलत तरीके से। बहुत लोगों को ये होता है कि मैं ये सिद्धि ले लूं फिर मैं ये कर लूं वो कर लूं, अगर ये मन में भाव है तो वो गलत भाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान का तो काम है जो हम मांगेंगे वो देंगे, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। ये मैं अंत में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर आपने मध्य रात्रि या तुरीय संध्या में इस देवी अथर्व के यथाशक्ति भी पाठ किए आपको वाक सिद्धि प्राप्त होगी। मैं अगेन कहता हूं उसका गलत प्रयोग मत करिएगा या फिर गलत सोचिएगा भी मत, वाक सिद्धि तो प्राप्त होगी है क्योंकि इसमें लिखा है, माता रानी ने स्वयं कहा है। तो मध्य रात्रि में आप इसका यथाशक्ति पाठ करेंगे, वाक सिद्धि प्राप्त होगी और उसको कंटिन्यूस ऊर्जावान रखना है तो इसके पश्चात हर रोज एक एक पाठ आप करते रहिएगा, या फिर जैसे आप चाहे तो 10 पाठ भी कर सकते हो या 108 पाठ भी कर सकते हो। और ये आज अवश्य करना है, सुबह सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल 5:07 तक, और जैसे मैंने कहा कुछ कुछ जगहों पर देश काल के अनुसार रात्रि के 11:15 तक है, लेकिन वो भूल के आप मानिए कि पूरा दिन पूरी रात्रि है तो आप यह अनुष्ठान कर सकते हैं। अब इसके अलावा बाकी के अनुष्ठान तो वो जो आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, ये 9 के 9 दिन नहीं करना, ये सिर्फ एक दिन शांति अनुष्ठान है। आप चाहे तो उसके पश्चात एक एक पाठ कीजिए और नहीं भी करेंगे कोई दोष नहीं लगने वाला है। तो ये था देवी अथर्वशीर्षम के विषय में, भौमा अश्विनी अमृत सिद्धि योग में देवी अथर्वशीर्षम के प्रयोग और उपाय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड भाई आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय माता जी।